Welcome back to our channel Online Classes by Kavita Susdeva. Today I am here to teach you the topic Present Perfect Tense. Present Perfect Tense links past to the present. When action begins in the past and completed in the present. जब एक्शन पास में स्टार्ट होकर प्रेजेंट में खत्म होता है, अभी अभी कोई एक्शन खत्म हुआ है पास में स्टार्ट होकर, तब हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर कंप्लीटेड एक्शंस व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट द टाइम व्हेन दे हैपन. जब हम टाइम के बारे में बात नहीं करते हैं, जिन सेंटेंसेस में हमें टाइम का नहीं पता रहता है अभी वो एक्शन कब हुआ है, जस्ट हम ये बताते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तो खाना कब खाया ये नहीं बताया. जस्ट इट इज ही इज टेलिंग दैट वह खाना खा चुका है. तो हमने क्या यूज किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हेन एन एक्शन हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया रहता, दैट इज अनस्पेसिफाइड टाइम पे कोई भी काम हो चुका है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आइडेंटिफिकेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हिंदी सेंटेंसेस से? हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है जिन सेंटेंसेस के पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए, उन सेंटेंसेस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है. स्ट्रक्चर, नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ हैज हैव कहां पर आएगा? आई विल एक्सप्लेन यू. हैव, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या आएगा? हैव. Has कहाँ आएगा? He, she, it means third person singular subject और किसी भी name के साथ क्या आएगा? Has आएगा. Examples of present perfect tenses. मैं अपना homework कर चुका हूँ. तो इस sentence के पीछे क्या है? चुका हूँ. तो हमें क्या पता चला? यहाँ हमें present perfect tense use करना है. तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? मैं है, क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को हमने क्या लिखा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट आई. आई के साथ क्या आएगा? हैव. आई हैव. वर्ब थर्ड फॉर्म डू, डेट, डन. थर्ड फॉर्म वर्ब, थर्ड फॉर्म आई हैव डन माय होमवर्क. सेकेंड इज वह दिल्ली जा चुका है. तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर? वह, ही. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज हैव, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट ही हैज. ही के साथ क्या आएगा? हैज, बिकॉज ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. ही हैज वर्ब थर्ड फॉर्म गोन. Go, went, gone. He has gone to Delhi. Negative sentence में क्या structure use होगा? Subject plus has have plus not plus verb third form plus object. For example, I have not listened to the news. क्या आएगा I के साथ? Have. I is here subject. I के साथ क्या आएगा? Have not. Listened is verb, third form, I is here, subject, and news is here, object. Second is Mary has not eaten any bread. Now, Mary क्या है यहाँ पर? Subject. सबसे पहले हम subject लिखेंगे. किसी भी name के साथ क्या आता है? Has. Now negative में क्या आएगा? Has not. Mary hasn't eaten any bread. Eaten is here verb, third form. Bread is here object. Question mark, question, जहां हम question use करेंगे तो क्या structure use करेंगे? Has have plus subject plus verb third form plus object और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? Question mark. For example, Have you seen my bag?
तो हम सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, सब्जेक्ट से पहले हैव लगाएंगे, यू के साथ क्या आता है, हैव, तो हमने क्या लगाया सब्जेक्ट से पहले, हैव, और उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म क्या है, सीन, सी सॉ सीन, बैग इज हियर ऑब्जेक्ट, सेकेंड इज हैज शी कम येट, has she, she is here, subject, subject is third person singular के साथ क्या आता है, has, तो हमने यहाँ has लगाया, और third form क्या है, come, came, come, yet, Now I will tell you the uses of present perfect tense. Present perfect tense कहाँ use होता है? Present result of the past action. किसी भी past action के present result को show करने के लिए क्या use करते हैं हम? Present perfect tense use करते हैं. For example, Mr. Verma has gone to Delhi. Mr. Verma Delhi जा चुके हैं. तो क्या present result है? Now he is not here. वो अब यहाँ पे नहीं है. सेकेंड इज वी हैव क्लीन द फ्लैट, हम फ्लैट को क्लीन कर चुके हैं, तो क्या प्रेजेंट रिजल्ट है, नाउ फ्लैट इज क्लीन. नेक्स्ट यूज इज समथिंग दैट हैपेंड ओनली अ शॉर्ट टाइम अगो, अभी अभी जो थोड़ा टाइम पहले एक्शन हुआ है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल ही हैज जस्ट गोन आउट, वो अभी अभी बाहर जा चुका है. थर्ड यूजेस एन एक्शन दैट हैपन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के दौरान जो काम हुआ है. फॉर एग्जाम्पल दिस वीक, दिस मंथ के साथ हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन ताजमहल दिस वीक, मैं इस वीक ताजमहल देख चुका हूँ. नेक्स्ट यूज इज समथिंग दैट बिगैन इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, जो काम पास्ट में शुरू होकर अभी तक चल रहा है तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंस और फॉर यूज करते हैं. सिंस कहाँ यूज करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं. जैसे सिंस 1996 कोई भी ईयर है, कोई भी मंथ है, कोई भी डे ऑफ वीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे सिंस. और फॉर कहाँ यूज करते हैं, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं फॉर. फॉर एग्जाम्पल वी हैव लिव्ड हियर सिंस 1996, तो क्या है यहाँ पर हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया. I have known him for 5 years. मैं उसको 5 साल से जानता हूँ, जान चुका हूँ. तो क्या है यहाँ पर for, क्यों यूज हुए यहाँ पर, बिकॉज टाइम ड्यूरेशन दी हुई है. सिंस किस लिए यूज हुआ यहाँ पर, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है. Now next uses an action that happened at some indefinite past time. Indefinite past time में कोई action हुआ है तो हम क्या use करेंगे, present perfect tense. For example before, never, ever, yet words के साथ क्या use करेंगे हम, present perfect tense. For example have you ever seen the Taj Mahal, क्या आप कभी Taj Mahal देख चुके हो. तो क्या है, टाइम मेंशन नहीं है, इनडेफिनेट पास्ट टाइम है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट इज मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे जब मल्टीपल एक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन दैट मूवी 10 times. अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मल्टीपल एक्शंस हो रहे हैं, 10 times मैं वो मूवी देख चुका हूं. तो सेकंड इज द आर्मी हैज अटैक्ड दैट सिटी 5 times. तो मल्टीपल टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स पे मल्टीपल एक्शंस हो रहे हैं, तो क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
नेक्स्ट यूज इज टू डिस्क्राइब अकम्प्लिशमेंट्स. किसी भी अकम्प्लिशमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स हैव डिस्कवर्ड क्योर्स फॉर मैनी डिजीजेस. डॉक्टर्स ने क्या डिस्कवर किया है? बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने का साधन डिस्कवर किया है. द कंप्यूटर हैज मेड इट पॉसिबल टू लर्न ऑनलाइन. कंप्यूटर ने ऑनलाइन स्टडी पॉसिबल की है. तो क्या है, हम अकम्प्लिशमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंस. हम अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जब किसी से, तो क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड. मैं संसार भ्रमण कर चुका हूँ. नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब अ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम के दौरान कोई चेंज होता है जब, तो उस चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, हाउस प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड अ लॉट. हाउस प्राइसेस क्या है? बढ़ चुके हैं, किसी पीरियड के टाइम के दौरान बढ़ चुके हैं. तो चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एक और एग्जाम्पल लिखे, दिस चैनल has become popular. यह चैनल पॉपुलर हो चुका है. तो क्या है, ये चेंज हुआ है टाइम के दौरान, तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? has have plus third form of verb plus object. Now, if you like our video, please press like button and subscribe our channel and also watch part 4.